ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि वालिदैन का इस्तेहसाल करने वाले स्कूलों की मुसल्लिमा हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। ट्रांसफ़र लिंक्स और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पर मुंतखब और तरक्की पाने वाले तदरीसी अमले को दिगर इलाकों में काम करने के लिए अगले हफ्ते से तैयार रहना होगा। डायरेक्टर एजुकेशन से न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद मीर ने बातचीत की है। We have directed our all CEOs, cluster heads, joint directors कि आप ग्राउंड पे ZDOs को भी कहा है कि आप ग्राउंड पे जाए, जहाँ जहाँ ऐसी कंप्लेंट होती है तो वो कंप्लेंट आप हमारी नॉलेज में लाइए, ताकि हम उसमें ये भी हमने लिखा है कि दिस कैन लीड टू दैट डीरिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो पिछले महीने से जब से स्कूल्स खुले, ये हमारे पास शिकायत आती रहती थी कि एक पर्टिकुलर शॉप से या एक पर्टिकुलर बुक स्टॉल से हमें कहा जाता है बुक्स लेने के लिए या वर्दियाँ लेने के लिए। तो वी हैड मेड इट क्लियर कि किसी भी पेरेंट को इस हवाले से हरास ना किया जाएगा। द चॉइस शुड बी लेफ्ट टू द पेरेंट कि वो कहाँ से ले ले। हाँ, जो किताबें उन्होंने प्रेस्क्राइब की है, जो हमने बोर्ड से प्रेस्क्राइब की, वो लेके वो जा सकते हैं। दूसरी बात ये थी, तो हमें ये भी कहा जाता था कि ये किताब लेनी है, वो किताब लेनी है, चूँकि ऑलरेडी बोर्ड ने आर्डर पिछले साल अगस्त में निकाला हुआ है कि ये किताबें जो बोर्ड की किताबें हैं उन पे ही वही प्राइवेट स्कूलों में भी और सरकारी स्कूलों में भी रहेंगी, तो उस पे हम अमल करना चाहते हैं। उस इशू को हम एक पूरे मेथोडिकल मैकेनिज्म से इस पे हम काम करना चाहते हैं, ताकि जो शिकायत आवाम की है, पेरेंट्स की है, उन पे हम काम करें। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी इसमें बड़े सीरियस है। परसों उनकी डायरेक्शन इस बार आई थी कि इस इशू को रिजॉल्व करना है और वी शुड नॉट मेक पब्लिक टू सफ़र। बेसिकली जो मेरे पास जो डिटेल्स है, हम इन ट्यूशन सेंटर्स को बेसिकली रजिस्टर करते थे। पिछले एक साल जब से कोविड हुआ तो वी हैव डिस्करेज्ड देयर रजिस्ट्रेशन। तो हैं बहुत कोचिंग सेंटर्स, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है। कोचिंग सेंटर्स कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मुझे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्यूशन सेंटर्स जब स्कूल है, उसातिज़ा है, पढ़ाने वाले हैं, फिर ट्यूशन सेंटर्स जरूरत क्यों उनकी? हम बेसिकली ये पिछले जो हमें लिगेसी में मिला है, बहुत सालों से ऐसे ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, तो वी विल रेगुलेट देयर जो टाइमिंग्स है उनको हम रेगुलेट करेंगे। स्कूल, हमने ऑलरेडी अपने टीचर्स को या किसी और को भी कहा है कि 10 से पहले या 4 के बाद, 4 के बाद ही वो कहीं किसी ट्यूशन सेंटर पे जा सकता है, लेकिन विद प्रॉपर परमिशन, जो हमारे टीचर्स है। तो अगर उसको परमिशन होगा वो 4 के बाद जा सकता है, क्योंकि हमने एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट अलाउड एनी टीचर। लेकिन सवाल ये, जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों है, बच्चे क्यों जाते हैं ट्यूशन सेंटर? ये खोलने वाले की गलती नहीं है, उसको हक है कि वो अपना कारोबार करे, अगर वो बेरोजगार है वो, बिल्कुल। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ पेरेंट्स भेजते हैं, सपोज मुझे लगता है कि इसको हम देर से घर आते हैं, फिर बोलते हैं तब तक ये ट्यूशन सेंटर में जाएगा। एज ऑफ नाउ हमारी तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ट्यूशन सेंटर में जाओ। हम पूरे तरीके से, आपने पिछले साल देखा, 220 डेज इंस्टीट्यूशनल डेज आ गए, तो पहली बार ऐसा हुआ है। एंड वी हैव ट्राइड टू, जो हमारा सिलेबस है कंप्लीट हुआ था, फिर भी कोई पेरेंट चाहता है तो उसमें हमारी बच्चे एब्सेंट रहते हैं स्कूलों से, लेकिन ट्यूशन सेंटर जाते हैं। बेसिकली इसके नतीजे में आपके स्कूलों पे असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है मैं ट्यूशन पढ़ के हो जाएगा। नहीं नहीं, वी हैव जो मिनिमम अटेंडेंस जो हमारी है, वी उसको हम रेगुलेट करते हैं। ऐसे नहीं कि वो साल भर स्कूल नहीं आए तो वी विल अलाउ हिम टू सिट इन द एग्जामिनेशन। आपने अभी कहा कि जिन्होंने ST पे, RBA पे या किसी ऐसी कैटेगरी पे जिसका ताल्लुक उस इलाके से है जहां उनको काम करना चाहिए था, उसी बुनियाद पे इस पॉलिसी में मेंशन किया। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें इफ और बट होते हैं बाद में, कि इफ और बट ये होते हैं कि इसकी, इसका पति इधर है तो इसलिए, ये मतलब ये मैं अब रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, वो इफ एंड बट पे भी, पोस्ट सुपर्स ग्राउंड पे भी इस पॉलिसी में है, सिक्योरिटी ग्राउंड्स में भी इस पॉलिसी में है, मैरिज ग्राउंड्स पे कुछ हेल्थ इश्यूज पे है। आपने वैसे निकाल दिया वो, यस, तो वो तो हायर एजुकेशन में परसों निकला है, हमारे स्कूल एजुकेशन। अब हमने एक चीज़ हम समझे कुल मिला के, ये कि जिन लोगों की
जिन लोगों की नौकरियां लगी हैं इन ग्राउंड्स पे, आरबीए पे या एसटी पे या ऐसी चीज़ों पे, तो अगर वो शहरों में आके बसी हैं वहाँ बगैर कोई काम किए हुए, तो उनको अब की बार बोरिया बिस्तरा डाल के अपने इलाके की खिदमत करनी होगी, ये माने इसमें लिखा है पॉलिसी में, इट इज़ मैंशनड देयर, हाँ अमल भी होगा इंशाल्लाह। बेसिकली ये वो खुद दिखाए, जो हमने CPIS डाटा भेजा ना उसमें सारा लिखा है कि ये किस कैटेगरी में लगा है, तो इसलिए उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर उसने मैंडेटरी 5 साल नहीं दिए होंगे तो उसकी पोस्टिंग उस एरिया में हो जाएगी। और जिन लोगों को आपने हार्ड एरियाज में काफी सालों से रखा है उनको भी मौका मिलेगा, वो नीचे दे विल बी कमिंग बैक। यस,